नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, दूध एक ऐसी खुराक है जो हर उम्र में इंसान के शरीर की हर तरह की जरूरतों का ध्यान रखते हुए उनके शरीर का विकास करती है। इसमें ढेरों विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों और महिलाओं को ही दूध पीना चाहिए, पुरुषों के लिए भी दूध पीना उतना ही जरूरी है। पुरुषों को अपनी हड्डियाँ, बालों और मसल्स को मजबूत बनाने के लिए रोजाना दूध पीना चाहिए। दूध उन्हें कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने में भी हेल्पफुल होता है। चलिए आज के पैकेज में यही जानते हैं कि आखिर दूध किस किस तरह से आपको ढेरों समस्याओं से बचाकर फायदा पहुंचा सकता है। दूध में पाया जाने वाला फैट और प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं। इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। इसमें पाया जाने वाला ट्रिप्टोफीन नामक अमीनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो कि फैट बर्निंग प्रोसेस से फैट को घटाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद डाइजेस्टिव गुणों की वजह से डिनर में खाए स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट करने में भी ये मदद करता है। एक रिसर्च के मुताबिक दूध में मौजूद कैल्शियम स्ट्रोक से बचाता है। दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की वजह से दूध हार्ट डिजीज और स्ट्रोक से बचाते हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हाई बीपी की प्रॉब्लम से भी बचाते हैं। दूध में सेसन और वे प्रोटीन होते हैं जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए इन्हीं प्रोटीन्स का यूज होता है। एक ग्लास दूध में पुरुषों की रोज की जरूरत का 37% कैल्शियम होता है। इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी को एनर्जी और ताजगी देते हैं। दूध में मौजूद फैट और प्रोटीन्स मेल हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं जिससे फर्टिलिटी बढ़ती है, और इसमें मौजूद ट्रिप्टोफेन और अमीनो एसिड की वजह से नींद भी अच्छी आती है। तो दोस्तों, आज से ही रोज रात को दूध पीना शुरू कर दीजिए। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।